बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम जी। अस्सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी पिछली वीडियो मतलब ये थी मेरी बर्थडे की थी, काफ़ी लोगों ने देखी भी होगी। तो जो जैसे भी हमने सेलिब्रेट की थी, इसकी रीज़न ये थी कि मैं नहीं डाल पाई 2 दिन, क्योंकि मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। एक वजह से वो मैं आपको लास्ट में भी बताऊँगी। तो अभी मेरी जो वीडियो है वो देखें। यहाँ पे हम सब जो है सेट हो रहे थे, अम्मी मैं, और ये सारी डेकोरेशन नादी ने की थी, मेरी सिस्टर ने, और ये सारा इंतज़ाम फूलों का, और ये मतलब जितनी भी डेकोरेशन थी ये मेरी सिस्टर की तरफ से थी। तो उन्होंने दिल से सेलिब्रेट की है। और मेरी अम्मी भी आज मतलब ऐसे वो नहीं बैठी थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा अम्मी को, अम्मी आप तैयार हो जाएं, लेकिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो वो इतना ज़्यादा तैयार नहीं हुई। वैसे भी वो इस तरह सिंपल ही रहती हैं, वो इतना ज़्यादा तैयार नहीं होती। तो हम सब यहाँ बिना अपनी पिक्चर्स वगैरह बनवा रहे थे, और केक भी मेरी सिस्टर ने ही बनाया था, और यहाँ पे मैंने काटा है, काले काकड़ा काटा मैंने है काकड़ा। एक गैदरिंग हो जाती है, गेट टुगेदर हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो अभी जो है खाने में क्या है, खाना लेके आई हूँ। अभी मैं लाई हूँ चिकन पीस गरम गरम से ना, बारबेक्यू वाले। सबसे पहले ये खाएंगे। खाओ, यहाँ पे खाना वगैरह मैं लाई थी, मेरी तरफ से था। तो सब मैंने पूछा था सबसे कि अगर चाइनीज़ खाना है तो वो ले लेते हैं, लेकिन सबका दिल था क्योंकि शाम का टाइम है तो बारबेक्यू मंगाएं। तो मैंने फिर इसमें चिकन पीस लाई थी, और चिकन टिक्का लाई थी, कबाब लाई थी, और चिकन कढ़ाई लाई थी। तो जिसका जो दिल था वो सब ने वो लिया, खाया। लेकिन मनाल का मूड ख़राब था क्योंकि वो चाह रही थी कि मुझे KFC या बर्गर वगैरह, तो लेकिन ये किसी का भी दिल नहीं था। खैर अभी मैंने ना फिर उसकी फरमाइश पे ऑर्डर कर दिया था, तो वो भी आ जाएगा। थोड़ी सी मैं जलेबी भी साथ में लाई थी, क्योंकि जब वहाँ से गुजर रहे थे ना, जहाँ से मैं बारबेक्यू मतलब खाना वगैरह ले रही थी, तो बिल्कुल उसके सामने से ये ना सर्दी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सर्दी की शाम थी, तो बिल्कुल उसके सामने ही जलेबी वाला ना जलेबियाँ बना रहा था। उसकी जलेबी पे इतना रश था, मुझे देखते ही मेरे मुँह में इतना पानी आया कि मैंने कहा ये कैसे मज़े लेके खाएंगे, तो ट्राई करनी चाहिए। तो मैंने फिर वहाँ से जलेबी भी ले ली। केक से ज़्यादा मुझे जलेबी का टेस्ट पसंद है। मुझे वैसे भी मैं केक बहुत कम खाती हूँ, लेकिन जलेबी जो है ना वो अच्छी लगती है, जब गरम गरम हो ना तो बड़ी मज़े की लगती है जलेबी। तो मैंने यहाँ से जलेबी ले ली, और सबको मैं ज़बरदस्ती जलेबी खिला रही थी, क्योंकि सबको केक बहुत पसंद आया था, तो सब केक ही खा रहे थे। फिर मुझे ही जलेबी मैं मतलब अच्छी लगी, तो मैं ही सिर्फ जलेबी खा रही थी।
अस्सलामुअलैकुम जी। तो अभी मेरी बर्थडे हो गई कंप्लीट और वो सूट जो है ना वो ऐसे बस काफी चमक चमक थी ना, मैं उसे उतारने की फिक्र में खड़ी थी। ये जो है ये भी मैंने सूट बनाया था, ये देखें अच्छा लग रहा है ना, ये वाला कलर बहुत प्यारा लग रहा है। नादी का भी सेम ऐसे ही है, तो लाइट कलर है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी जो है वैसे मेरी पिछली बर्थडे थी ना तो मैंने आपको बताया था मैंने सबको गिफ्ट किया है, तो इस बर्थडे सबसे पहले ना ये मेरे हस्बैंड है, ये किसी ने भी नहीं देखा, मैं अभी इन्हें दिखा रही हूँ। तो पैक मैंने नहीं किया, तो ये वाला मैं लाई हूँ सलवार सूट, तो सही तो ना मरा अच्छा है ना, वैसे थोड़ी देर तक वो करे। तो ये है उनका गुलामत का सूट, वो मैं लाई थी, और फातिमा के लिए लाई हूँ ये वाला, ये गिफ्ट है फातिमा का। ये मैंने लेके दिए और ये नादी ने लेके दिए मनीषो से। ये मनीषो वाला है, ये नादी की तरफ से है, देखो ये बैठ गया नो ये भी था। इसका मुंह खराब है भाई, उसके वो जो बने वाले डक है ना उसके डक के ओंठ मोटे मोटे होते हैं, तो होते तो मोटे लेकिन उसके समझ नहीं आए, डक के ओंठ मोटे मोटे होते हैं ऐसे देखो बड़े लेंथी डक जो है उसके। अच्छा जी ये है रुमान का, ये मैंने दिया है रुमान को जे डॉट का परफ्यूम, खोल के दिखाऊं या ऐसे? ठीक है अच्छा खोल के दिखाऊं। वैसे कैंची तो सोनिया ला देती। अच्छा और देखते अम्मी ने आनी भाई यार बच्चे अम्मी ओ हो इतु आसे इतु मैं आसा उतु नहीं। अच्छा वो सोनिया थोड़े सोड़े ना थी बनो थोड़ा उतरो दो मम्मा जरा नहीं जरा एक ही साइड पे रख नहीं चोड़ पे रख ना सारे यार कैमरा ठीक नहीं पड़ा एक ही साइड देख भी आए तो चेक चोड़ को अम्मी तू से थोड़ी और ध्यान रखो। ले रही थी लेकिन ये लेता ही मैक्सिमम जे डॉट के, इस वजह से मैंने और ये है सोनिया का बेट, ये सोनिया की शर्ट दी है फुलकारी शर्ट है फुलकारी। अच्छा ये है ये मैंने फातिमा के लिए कपड़े किए थे, एक ये है और ये जो है एक ये है, ये नादी ने पसंद किया, मुझे पसंद बड़ी है ये पूरी पूरी है और इस पे कवर हो जाती है ना, बच्चे को ठंड साइड से ज्यादा लगती है। ये है और एक ये ली थी, ये भी नादी ने ली थी, उस दिन मैं इतनी सारी शॉपिंग मैंने की थी तो यही चीजें ली थी, ये ली कहाँ से है अपना ये अच्छा ये हो गया। अच्छा ये जो है ना अम्मी का सबसे बड़ा गिफ्ट ये है, आपको नजर आ रहा है ये अम्मी का गिफ्ट नहीं है। आ रहा दूसरी बात है देखा अम्मा ये चेंज नहीं हो सकता है। अच्छा अब मैंने नादी को क्या दिया है, ठीक है अच्छा नादी क्या दिया है मुझे, वो सूट दिया है ना। हाँ मुझे नादी ने सूट पहना दिया है ना, इसी मैं पहले भी मैंने बताया मैंने कब वो सूट इसने अब वो तो हम देख लिए, बाकी कौन रह गया मनाल, इधर दिखाओ। अच्छा एक मेरी ना अभी डाई हो क्या है, मैंने इतनी इमरजेंसी में ये डाई कराया है, ये है मेरी सिस्टर, अच्छा लग रहा है ना, ये प्योर का सूट है और इस पे चिकनकारी का काम है और सीक्वेंस भी है ना। हाँ सीक्वेंस सीक्वेंस भी है, ये देखें चिकनकारी, ये बेबी पिंक है, जैसे मैंने पहना हुआ था ना तो ये उनका है शर्ट एंड दुपट्टा, ये देखें एसपी।
अच्छा अब ना मैं आपको दिखा रही हूँ मनाल के कि मैंने मनाल को क्या दिया है। ये मनाल के बाग के लिए है। बाग चावल है ना, बाग चावल है ना, ये बाग चावल है, दिखाओ। ये है मनाल की शर्ट, ये देख ठीक हो गया। और ये है मनाल का गुत परांदा। चुटिया डालू तेरी मनो अभी बाल तेरे खुले हैं। ये इसका ऐसे ट्राउजर्स हैं, ये इसकी बेबी क्रीम जो है हमने ली है मीशो से, लिए नेल पॉलिश, इसे बड़ी प्यारी लग रही है। और एक इसका ये लिया है हेडफोन। अच्छे अच्छे। और ये एक लिया मैंने इसका फ्रॉम, ये कैसे आया नीचे उसके बाहर है, इसको कास्क ऑडियो नहीं नहीं इसकी जो वायर्स हैं। अच्छा ये मैं इसके अंदर है, डब्बे के अंदर। ये है मनाल का लॉन्ग फ्रॉक है, मिड वेदर में भी पहन सकती है, गर्मियों में भी पहन सकती है। लॉन्ग का ही न्यू अराइवल आया था, मैं भी जनरेशन बना रही थी पिज्जा, तो काफी दिनों से आया हुआ था लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला और मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया कि मैंने पिज्जा बनाना है। तो आज बनाया मैंने कुछ नहीं, असल में काफी दिनों पीछे एक तो मेरी बर्थडे और दूसरा ससुराल जाना, फिर मेरे हस्बैंड आए हुए थे, तो काफ़ी जो है ना मसरूफियात में ना टाइम निकल गया, मुझे समझ ही ना आए, तो काफ़ी ज़्यादा थक भी गई थी। मेंटली तौर पे बंदा थक जाता है घर के, क्योंकि काम जो है वो तेज़ी तेज़ी से करने होते हैं। तो अभी जो है मैं बना रही थी पिज़्ज़ा, मैंने सोचा आपके साथ वीडियो शेयर करूं, क्योंकि एक सिस्टर का की तो मुसलसल कॉल्स आ रही थी कि आप ही कब बनाएंगी पिज़्ज़ा। तो एक दूसरी बात आप मुझे करनी है आपसे, ये तो मेरी था बर्थडे का व्लॉग और इसकी अनबॉक्सिंग जो है वो रह गई थी, क्योंकि पीछे वाले व्लॉग पर बहुत बड़े हो जाते, तो मैंने सोचा कि चलो बाद में अनबॉक्सिंग कर दूंगी। लेकिन कल मैं ये वीडियो मेरी एडिटिंग हुई हुई थी और इसके सारे क्लिप्स जो थे वो मैं आप सबको बताया पहले के तैयार थे, लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपलोड करने का सोच रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि शबाना आपी के बारे में पता चला, तो उनके चैनल के बारे में पता चला। मुझे यकीन करें मुझे दिली तौर पर उनके चैनल का बहुत अफसोस है, इतना अफसोस हुआ। एक दफ़ा तो मैं बिल्कुल जम सी गई, मेरे पांव जो हैं वो बिल्कुल जम सी गए, मुझे कुछ फील ही ना हुआ कि मैं कहीं जा रही थी। असल में मैंने मार्केट जाना था तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी, लेकिन एकदम से ना मेरा एकदम से जैसे किसी को झटका नहीं लगता वैसे झटका लगा। एक दिली तौर पे मुझे अफसोस हुआ उनकी, क्योंकि उनका सफ़र बहुत ज़्यादा है। बात ये नहीं है बात 4,000 हो सब्सक्राइबर या आपके 4 लाख हो, लेकिन मेहनत होती है इंसान की ना, हमें एक एक सब्सक्राइबर के लिए ना हम चेक करते रहते हैं हर वक्त के अब कितने हुए, अब कितने हुए, अब कितने हुए। एक एक सब्सक्राइबर के लिए हम इतनी तगड़ो करते हैं, क्योंकि हम एक लोग होते हैं, हम एक होते हैं और आप लोग इतने सारे होते हैं, सबके मेंटल लेवल के मुताबिक हमें चलना होता है। और मतलब किसी को हम क्लिक करेंगे तो हमें कोई कोई सब्सक्राइब करेगा ना, तो बात ये है। लेकिन उनका सफ़र बहुत ज़्यादा है, उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, मैं तो खुद पर्सनली उनसे मिली हुई हूँ, तो मुझे जो है मुझे एहसास है, मुझे मैंने उनका दर्द यकीन करें मैंने दिल से महसूस किया है। वो ठीक है मैं सिर्फ इस दौड़ में नहीं पड़ी कि मैंने वीडियो उनकी पिक्चर के साथ नहीं बनाई, क्योंकि ये भी एक मुझे लग रहा था कि शायद व्यूज लेने के चक्कर में पर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो है ना मुझे बिल्कुल दिल से फील हुआ, मुझे ऐसा लगा कि नेक्स्ट टाइम मेरे साथ भी तो ऐसा हो सकता है, मतलब हम भी तो इस लाइन में आ सकते हैं। तो मुझे उनका यकीन करें बहुत दुख हुआ, बहुत मुझे ना मैं उनके साथ अपना दुख ये बांटना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत जो है ना उनका अफसोस हुआ है, मैं उनके साथ दिली तौर पे उनका अफसोस कर रही हूँ। और कल मैंने इसी वजह से अपनी वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि एक वो हमारी बरादरी है और वो हमारी बरादरी की एक मतलब अच्छी मेंबर हैं और दिल की भी बहुत अच्छी हैं, भोली भाली सी हैं, मैं तो उनसे मिली हुई हूँ आप सबको पता है। तो मैं चाहती थी कि मैं ऐसे हल्ले गुल्ले वाली अपनी वीडियो ना शेयर करूँ, क्योंकि एक दुख दुख के साथ चलना है और तो हम कुछ नहीं कर सकते,
क्योंकि हम इस पे तो कुछ भी किसी के साथ भी ये बन सकती है, कल को वो है, आज वो है, कल हम है। तो जो है ना, मैंने इस वजह से फिर वो जरा था कि मैंने फिर वीडियो वो अपलोड नहीं की, तो आज मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी। क्या कर सकते हैं, लेकिन दुआ तो कर सकते हैं, और मैं खुसूसन जो दुआ करूंगी अल्लाह ताला उनके जो जितने भी मतलब जिसने भी ये किया है ना, उसको बस क्या कहें, अल्लाह से अल्लाह ही पूछ सकते हैं। अल्लाह बेहतरीन अदालत करने वाला है, तो इंशाल्लाह मेरा रब जरूर अदालत करेगा। उसकी तो एक चोटी को भी अगर नुकसान पहुंचाए ना, तो वो भी हमसे हिसाब लिया जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा, उन्होंने किसी इंसान को जितनी बड़ी तकलीफ दी है कि अचानक उन्हें कुछ हो भी सकता था। अचानक जैसे उन्होंने सुनी है ये खबर, तो उन्हें कुछ हो भी सकता था। अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक उनका साया उनके बच्चों पे हमेशा कायम रहे। तो इंशाल्लाह जो जरूर रिकवर कर लेंगी, और दूसरे चैनल अगर वो नहीं मिला तो दूसरा चैनल स्टार्ट करेंगी, और हम सब उनका साथ देंगे। तो वो हमारी जो है ना, मतलब एक अच्छी हमारी यूट्यूबर है, और हमें उनसे बहुत प्यार है। तो इंशाल्लाह जी सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें और अपना चैनल दूसरा स्टार्ट कर लें, तो आपको माशाल्लाह से 4 नहीं 8 मिल जाएंगे सब्सक्राइबर। तो बिल्कुल दिल को ना लगाएं, कोई बात नहीं है, शायद इसी में बेहतरी हो कि बस आपकी अल्लाह ताला जान माल की हिफाजत करे, आपको आपका साया जो आपके बच्चों पे कायम रखे, तो ऐसे और मिल जाएंगे। तो हिम्मत करें मेरी जान, मेरी शबाना आपी को खसूसी मैसेज है, हिम्मत करें तो इंशाल्लाह जी सब ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, अभी मैंने तैयारी करनी है इसके पिज्जे की, क्योंकि शाम हो गई है, मेरा बेटा एकेडमी से आने वाला है, और शाम की चाय के साथ आज मैं ये बनाऊंगी। और मेरा अगर एक्सपीरियंस अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह जी मैं आपको ज़रूर रेसिपी शेयर करूंगी। अच्छा, बुरा भी हुआ तो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैं तो लाई हूँ बना बनाया। अगर मेरा बुरा भी एक्सपीरियंस हुआ ना, तभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इंशाल्लाह जी मैं कोशिश करूंगी कि ये अच्छा बनेगा, तो मैं आपके साथ नेक्स्ट में ज़रूर शेयर करूंगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।